हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी मशीन को लिनक्स की मशीन को स्टैटिक आईपी कैसे दे सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने होस्ट मशीन से इस लिनक्स की मशीन को एसएसएच कैसे करेंगे विया पर्टी पर्टी के थ्रू, देन फिर हम अपनी मशीन को अपडेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जाते हैं अपनी सेटिंग में, वायर्ड सेटिंग में, देन इसमें हम चेक करते हैं इसमें कनेक्शन ऑफ हुआ है इसका। फिलहाल अभी इसको हम ऑन करते हैं। अभी हम इसमें अगर देखें सेटिंग में, तो जो हमने लास्ट टाइम इसकी कनेक्शन रखा था वो रखा था हमने नेट का, तो उसमें उसने ऑटोमेटिक आईपी उठा लिया अपने जो भी उसका पूल बन रहा था, लेकिन उसमें डीएनएस वगैरह सब उसने ऑटोमेटिक खुद ही उठा लिया। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें अपने नेटवर्क पर लाना है, तो हम अपने वाईफाई की सेटिंग में जाके देखेंगे। वाईफाई आपका लैन जो भी लगा हो उसकी सेटिंग में, उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके अडेप्टर में जाके देखेंगे कि हमारे पास कौन सा नेटवर्क चल रहा है। इसकी हम अगर स्टेटस में देखें या डिटेल में जाएं, तो देखें मेरे पास नेटवर्क चल रहा है 192.168.0.0 का नेटवर्क चल रहा है। इसमें अब मुझे DNS ने बताया हुआ है, तो मैं इसमें से कोई IP उठा के अपने सर्वर को दे सकता हूँ। जैसे अब ये 102 है, तो मैं 103 या 105 इस तरह की कोई IP दे सकता हूँ। तो इधर मैं क्या करता हूँ, इसमें IP4 में जाके मैं मैनुअल पे क्लिक करके जो मुझे IP देनी थी वो मैं IP लिख देता हूँ 105। सेम नेट मास्क जो वहाँ पे दिखाया था 255.255.255.20 और गेटवे भी आ गया। ये आईपी हमारे इस नेटवर्क की थी और ये हमारा गेटवे आ गया। गेटवे हमारा है सेम 1। तो ये हमारा गेटवे आ गया 192.168.0.1। इसके बाद हम एक काम करते हैं, DNS भी चेक कर लेते हैं। DNS भी मुझे सेम बता रहा है 192.168.0.1। तो मैं इसका भी नेटवर्क DNS सेम रख लूँगा 192.168.0.1। उसके बाद मैं इसको सिंपली अप्लाई कर दूँगा और इसको एक बार ऑन एंड ऑफ ऑफ एंड ऑन कर लूँगा, तो मेरे पास कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मुझे एक काम करना पड़ेगा कि अभी ये मुझे आई थिंक कनेक्ट ना हो। इफ कॉन्फिग करके मैं चेक करता हूँ कि इसमें मुझे कौन सी आईपी दिखा रहा है, तो मुझे आईपी तो वही दिखा रहा है जो मैंने सेट की है, लेकिन अभी मुझे इसमें सेटिंग करनी होगी एक और, कि आईपी तो मेरी सही आ गई है, लेकिन अभी मुझे इसमें मैं पिंग कर रहा हूँ नेट, आईपी तो मुझे दिखा रहा है लेकिन मैं अभी नेट पे जा पा रहा हूँ या नहीं ये मैं चेक करता हूँ। 8.8.8 पिंग कर रहा हूँ लेकिन मुझे पिंग से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। इसी तरह अगर मैं उस मशीन को पिंग करूँ जहाँ से जो भी मैंने आईपी देखी थी मेरी होस्ट की आईपी 102, मैं वहाँ तक भी नहीं जा सक रहा, मैं वहाँ तक भी नहीं जा पा रहा। ये देखिए 192 जो आईपी है 102, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। और इसके बाद मुझे एक काम ये करना पड़ेगा, सेटिंग में जाके इसको नेट से हटा के इसको ब्रिज कर दूंगा। ब्रिज करने के बाद इसको ओके, देन इसमें जो वर्चुअल नेटवर्क एडिटर है इसमें जाके मैं अभी जो मैंने इंटरफेस देखा था इंटेल सेंट्रिनो उसको मैं चेक करूँगा। ये मेरे पास वही सेट हुआ हुआ है इंटेल सेंट्रिनो जो मुझे यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको इंटेल सेंट्रिनो, ठीक है। तो मैं इसको सेट कर लूँगा और इसके बाद इसको अप्लाई और ओके कर दूँगा। ये सेट हो गया मेरे पास। अब मैं अपने पास नेटवर्क पे जाके नहीं
कनेक्ट करूँगा इसको। तो मेरे पास कनेक्ट हो गया और अब मुझे पिंग आना चाहिए 8.8.8.8 से मुझे पिंग आ रहा है। और अगर मैं गूगल को पिंग करूँगा तो मेरी गूगल को भी पिंग होना चाहिए, गूगल को भी पिंग हो रहा है, मतलब मेरा DNS भी काम कर रहा है। तो हमने अपनी स्टैटिक आईपी दे दी अपने सर्वर को, अपने लिनक्स के सर्वर को हमने स्टैटिक आईपी दे दी। अब हम क्या करते हैं, इफ कॉन्फिग से देखें, अब मुझे स्टैटिक आईपी दिखा रहा है जो मैंने अपनी सेट की थी। अब मैं अपनी CMD की मशीन को भी, अपनी होस्ट मशीन को भी पिंग कर पा रहा हूँ। तो ये काम तो हमारा हो गया, एक काम स्टैटिक आईपी। अब यहाँ से भी अगर मैं पिंग करूँ अपनी मशीन को तो यहाँ से भी मुझे पिंग आना चाहिए 105, यहाँ से भी मुझे पिंग आ रहा है। तो इतना तो काम हो गया मेरा। अब हम एक काम करते हैं अपनी इस मशीन को, अब हम एक काम करते हैं, अब हम अपनी इस मशीन को बाहर अपने लोकल होस्ट से एक्सेस करते हैं, उस पर पार्टी का सेशन लेके वहाँ से काम करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से पार्टी ओपन करूँगा और जो मैंने इसको IP दी थी 192, अगर किसी के पास पार्टी इंस्टॉल ना हो तो सिंपली गूगल पे जाके डाउनलोड करें पार्टी को फॉर विंडोज़, जो भी आपकी विंडोज़ है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, यहाँ से सिंपली आप अपने PC के हिसाब से, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपने विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर लूँगा, ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड हेयर। हाँ, तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। इसमें आप देख लें आपके पास कौन सा है। मेरे पास तो विंडोज़ 10 है 64 बिट, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैंने तो सिर्फ आपको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए दिखाया था। डाउनलोड होने के बाद इसको राइट क्लिक करके ओपन करके इंस्टॉल कर लें, सिंपली इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी आपके पास। नेक्स्ट, सिंपल इंस्टॉलेशन है इसकी बहुत। तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, इसका मैं व्यू रीड में फाइल हटा के फिनिश कर दूंगा। और तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे सर्वर पे पट्टी वो SSH की सर्विस ऑन है। अगर हमारा SSH सर्वर चल रहा है यहाँ पे तो हम अपने पट्टी से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये मेरा SSH सर्वर ओपन है, पोर्ट 22 पे लिसन कर रहा है, सर्वर लिसनिंग ऑन 0.0.0.0.port 22, मतलब एनी आईपी ऑन पोर्ट 22, ये पॉइंट पोर्ट 22 पे लिसन कर रहा है। अब मैं पार्टी से लॉगिन करता हूँ 192.168.0.105, तो ये मेरे पास आ गया इसका ऑप्शन। तो ये मेरे पास लॉगिन हो चुका है। तो अब मैं अपने सर्वर को अपने लोकल होस्ट से बैठ के भी एक्सेस कर सकता हूँ आराम से, इजी पार्टी से भी काम कर सकता हूँ। तो अगर आप देखें कि मेरे पास SSH की सर्विस चल रही थी, अगर मैं SSH की सर्विस बंद कर दूँ यहाँ से, सर्विस SSHD स्टेटस, देखिए मेरे पास सर्विस चल रही है। अगर मैं सर्विस को स्टॉप कर दूं तो उसके बाद अगर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूं, मैं कोई भी नया सेशन बनाने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे क्रिएट नहीं करने देगा। अब जैसे मैं नया सेशन बनाऊं तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे IP डालूं अपनी तो ये मुझे कनेक्शन रिफ्यूज़ कर रहा है। अब अगर मैं इसकी सर्विस यहाँ से इनेबल कर दूँ तो ये मुझे फिर मैं अपना यूज़ कर सकता हूँ। तो मेक श्योर कि इसकी सर्विस हमेशा इनेबल होनी चाहिए,
तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं सर्विस SSHD को। सो अब मैं अगर यहाँ से लॉगिन करूँगा तो ये मेरे पास कनेक्ट होना चाहिए, तो ये आ गया मेरे पास सेशन। सर्विस स्टेटस ये लिसन कर रहा, सो ये मुझे देखिए बता भी रहा है कि मैंने 102 जो मेरे अभी लैपटॉप की IP थी लोकल होस्ट की, लोकल PC की, उसकी IP दिखा रही है कि मैंने उससे एक्सेप्ट किया पासवर्ड। तो एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके पास SSH की सर्विस इंस्टॉल नहीं है, हो सकता है किसी के पास इंस्टॉल ना हो, तो वो कैसे इंस्टॉल करेगा। तो सिंपली आप गूगल पे लिखें SSH पैकेज नेम इन लिनक्स, तो मुझे कुछ दिखा देगा इसके हवाले से। इसकी कमांड ये OpenSSH और ओपन क्लाइंट, तो ये सिंपली ये कमांड आप अपने पास रन कर लें। सूडो लगाएं या ना लगाएं, अगर रूट से लॉगिन है तो सूडो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नॉन प्रिविलेज यूज़र है, मतलब कोई सिंपल यूज़र है, नॉन रूट यूज़र, तो उस पर सूडो लगाना पड़ेगा आपको इंस्टॉलेशन के लिए। ये सिंपल कमांड अपने पास रन करें, आपके पास OpenSSH की सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं हो रही, अगर आपके पास SSH नहीं चल रहा तो। यहाँ पे सिंपल आप यहाँ तो अभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने VM, जो हमारी VM थी, उस पे जाके ये कमांड रन कर दें। एक कमांड होती है सिस्टम इनेबल SystemCTL, सिस्टम कंट्रोल इनेबल SSH। ये कमांड ये करती है कि आपकी जो भी सर्विस होती है उसको रिबूट के बाद ऑटोमेटिक इनेबल कर देती है, स्टार्ट कर देती है। वरना अगर ये आप इनेबल नहीं करेंगे, डिसेबल कर देंगे, तो आपको ये मैनुअली खुद ही स्टार्ट करनी पड़ेगी ये सर्विस। तो इनेबल की कमांड क्या करती है कि ऑटोमेटिक इसको स्टार्ट कर देती है, जब भी आपका PC रिबूट होगा ना, तो ये सर्विस आपकी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, आपको खुद से स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। एक्चुअली ये सर्विस ऑलरेडी इनेबल थी, इसलिए इसने मुझे कुछ दिखाया नहीं। अब अगर मैं इसको डिसेबल करके इनेबल करूँगा ना, तो ये आपको पता चलेगा क्या होता है। ये देखिए, अभी मैंने इसको डिसेबल कर दिया, इसने क्या किया, सेम लिंक, एक सॉफ्ट लिंक बनाता है ये, वो सॉफ्ट लिंक इसने रिमूव कर दिया। अब मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ, इनेबल करता हूँ सर्विस SystemCTL, SystemCTL इनेबल SSHD। देखिए इसने एक सिम लिंक क्रिएट कर दिया, यहाँ से उठा के, इस डायरेक्टरी से यह लिंक उठा के, सर्विस उठा के अपने यूजर लिप में डाल दी। मैं इसको यम अपडेट कर देता हूँ। वैसे अगर मैं इसको यम अपडेट करूँगा, तो ये मुझसे अगर कहीं पे इसमें ऑप्शन आएगा कि यस या नो करने के लिए, तो वो मुझसे बार बार पूछेगा। तो मैं इसके साथ -y का फ्लैग लगा देता हूँ, ताकि वो मुझसे पूछे ही नहीं, वो मुझसे पूछे नहीं, ऑटोमेटिक इसको यस कर दे। ये आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, मतलब आपने कोई भी आप चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें -y का स्विच लगा देंगे, तो जब भी वो पूछेगा कि मुझे यस करना है नो करना है, सर्विस डाउन ये चीज़ें डाउनलोड करनी है या नहीं करनी, तो ऑटोमेटिक वाई लगा देंगे, तो वो आपसे पूछे बगैर ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। तो मैं इसको अपग्रेड पे अपडेट और अपग्रेड कर देता हूँ, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब टाइम लग जाएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको अपडेट करने के बाद, इसकी कमांड सिंपल यही है, यम -y अपडेट, यम -y अपग्रेड।